ईरान से खबरें सुनते हैं। रात के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए, अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी रुकवाने के लिए इकदाम करें। कौमी असम्बली को बताया गया है कि ट्रांसपोर्टर की तरफ से तहफात के तनाजर में मोटरवेज और हाईवेज पर जायद रफ्तार पर जुर्माने में मुखर कर दी गई है। दसवीं सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन की तकरीबात आज गुरुद्वारा करतारपुर साहब नारोवाल में शुरू होंगी। और शाम के सूबे इदलब में तूफान की फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। और खबरें तफसील के साथ। वजीर अजम इमरान खान ने पाकिस्तान और मुतहदा अरब अमारात के दरमियान आला सतह के वक्तन फवक्तन तबादले और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक में बतदरीज पेशरफ्त इत्मीनान का इजहार किया। वो इस्लामाबाद में मुजाहिद के वलीहद और मुतहदा अरब अमारात की मुसल्लाफात के नायब सुप्रीम कमांडर अल नहयान से पाकिस्तान और मुतहदा अरब अमारात के दरमियान खसूसी ताल्लुक की स्ट्रेटेजिक अहमियत का जिक्र करते हुए वजीर अजम ने वसी तर इकतदी तआवुन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में 150 अरसे से मुसलसल जारी लॉकडाउन। मजीद खबरों और तर्जुमे के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pt। یہ اخلاص کیا کہ صرف اللہ اس کرم ہے اور وہ ضرور دین کے لیے تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ خود جاننے والا اور سب خبر رکھتا ہے۔
رکھنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہماری بچی آپ کا وقت آپ اپنے پانچ سیکٹر پر اپنی بچی نشریات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.